Hello everyone, this is Hemlata Sharma. We are going to learn lesson number 2 of class 5th. Let's learn pranayam. Chalo pranayam seekhte hain. Ye jo second chapter hai wo aapko pranayam ke bare mein padhayega ki pranayam kaise kiya jata hai aur isme kya kya kaun kaun se postures kaun kaun si sthitiyan hame karni hoti hain. तो लेट लर्न द प्राणायाम. कैन यू नेम दीज योगासंस. आप जो इस पिक्चर में कुछ योगासंस देख रहे हैं क्या आप उनमें से किसी के नाम बता सकते हो. विच ऑफ दीज डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली. इनमें से आप अपने प्रेयर असेंबली में यानी प्रार्थना सभा में कौन कौन से परफॉर्म करते हो. What changes have you felt in your body after performing yogasana? योगासन को करने के बाद आप अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस यानी बदलाव महसूस करते हो. felt, felt means महसूस करते हो. चलो आगे अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. Let's learn about pranayam and its benefits. चलो हम प्राणायाम के बारे में जानते हैं एंड इट्स बेनिफिट्स और इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में भी जानते हैं. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट थे. वन डे दे गॉट अप अर्ली. एक दिन वे सुबह जल्दी उठे. गॉट अप यानी उठे. It was pleasant morning. Pleasant, pleasant का मतलब होता है सुहावनी. यह सुहावनी सुबह थी. They went to a park. वे एक पार्क में गए. For a morning walk. Morning walk के लिए यानी सुबह की सैर के लिए वो पार्क में गए. They saw many people in the park. उन्होंने देखे बहुत सारे लोग पार्क के अंदर. Some of them were running on the track around the park. उनमें से कुछ लोग तो जो ट्रैक बना हुआ था पार्क के अंदर, जो चारों ओर पार्क के चारों ओर एक रास्ता बना हुआ था, उन लोगों में से कुछ लोग तो उस ट्रैक के उस मार्ग के चारों ओर दौड़ रहे थे. Children were playing. बच्चे खेल रहे थे. In the middle of the park. पार्क के बीच में. Some people were sitting and making different poses. कुछ लोग पार्क के बीच में बैठे थे और different अलग अलग poses बना रहे थे, यानी मुद्राएं बना रहे थे. अलग अलग pose, जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं उस टाइम जैसे अलग अलग पॉज देते हैं, वैसे ही जब कोई योगा करता है एक्सरसाइज करता है तो उस तरह अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉजेज वो दे रहे थे. शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग. शिवम अचंभित हो गया कि उसे देखकर कि ये क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी जिज्ञासुता के कारण. क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासुता, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना. Out of curiosity, both of the friends went near them. अपनी जिज्ञासुता के कारण दोनों दोस्त उन लोगों के पास गए जो अलग अलग poses बना रहे थे. उन दोनों के पास में शिवम और नितिन दोनों गए. There was a yoga teacher who was giving instructions to others. वहाँ पर एक योगा टीचर था जो कि उन्हें instructions दे रहा था दूसरों को, और इंस्ट्रक्शंस मीन्स होता है निर्देश देना. तो वह जो योगा टीचर था वहाँ पर, वो उन लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट पॉजेज बना रहे थे उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था. ही सैड, उसने कहा, माई डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टूडेज योगा क्लास. उसने, जो योगा टीचर था, उसने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, चलो प्राणायाम सीखते हैं आज की योगा क्लास में. What is pranayam? Somebody asked. किसी ने पूछा कि what is pranayam? Pranayam होता क्या है? तो योगा टीचर ने जवाब दिया, pranayam is control and extension of the breath.
उन योगा टीचर ने जवाब दिया कि प्राणायाम जो है वो कंट्रोल यानी नियंत्रण एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथिंग रेट, और अपनी सांस की जो हम ब्रीथिंग रेट होती है हमारी, जो सांस लेते हैं हम, उस पर कंट्रोल और इसको विस्तारित करने का जो योगा किया जाता है उसी को प्राणायाम कहते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग इट यानी अगर प्राणायाम की हम प्रैक्टिस करते हैं, वी कैन रिड्यूस आर ब्रीथिंग रेट, हम हमारी सांस लेने की दर को कम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जब हम हमारी ब्रीथिंग रेट को कम कर देते हैं यानी हमारी सांस लेने की दर को कम कर देते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, यह हमारी हार्ट रेट को भी यानी जो हमारे दिल की धड़कन होती है, जैसे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं हमारी सांस फूलने लग जाती है, हम हमारी दिल में बार बार धक धक होने लग जाता है, तो इन सभी जो हार्ट रेट है उसको योगा करने से प्राणायाम करने से ये जो हमारी हार्ट रेट है वो भी कम हो जाएगी। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर यानी बीपी को भी रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और इसके साथ ही यह हमारी बॉडी हमारे शरीर और हमारे दिमाग दोनों को ही रिलैक्स भी करेगा यानी आराम भी देगा। प्राणायाम इंक्रीजेज आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो प्राणायाम है वो हमारी आयु को भी बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक, प्राणायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए, प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग, अगर इसको प्राणायाम को करने का सही समय बताया गया है कि सुबह के समय करना चाहिए, लेकिन यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, आप इसे शाम को भी कर सकते हो, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील, लेकिन आप इसको शाम को तभी कर सकते हो जब आपको जो आपने रात का खा लिया है तो या फिर रात का खाना नहीं खाया है तो उससे कम से कम आपको 4 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी आपका पेट 4 घंटे बाद हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा पेट वापस खाली हो जाता है, तो उस समय हम प्राणायाम कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, शिवम और नितिन दोनों ही इंटरेस्टेड हो गए उनकी बातें सुनकर, यानी उनकी बातें सुनकर उन्हें उसकी बातों में, योगा टीचर की बातों में इंटरेस्ट आने लगा। एंड ज्वाइन द ग्रुप, और फिर उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया जो डिफरेंट डिफरेंट पॉजेस बना रहा था उस वाले ग्रुप को, आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, और सीकिंग मतलब होता है मांगना, जब उन्होंने योगा टीचर से परमिशन मांगी उसके बाद में उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया। सीकिंग मीन्स क्या हो गया, मांगना, सीकिंग का मतलब होता है मांगना, परमिशन मतलब अनुमति, तो उन्होंने परमिशन मांगने के बाद में उस ग्रुप को ज्वाइन किया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, और जो टीचर था योगा टीचर उसने प्राणायाम के स्टेप्स की जो उनको जिस तरह से करना था उन स्टेप्स को बताना शुरू किया। यस नाउ स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट, जैसा कि योगा टीचर ने बताना शुरू किया, स्टेप फर्स्ट, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। योगा टीचर उनको स्टेप्स बताते हैं कि आराम से शांति से मैट पर बैठ जाओ एंड क्लोज योर आइज, और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर उसके बाद वो स्टेप सेकंड बोलते हैं, तो आप सभी इस प्राणायाम आसन को करना जैसा कि बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपनी थाइज, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, आपको पहले तो फर्स्ट पोस्चर की तरह बैठ जाना है, सेकंड में अपनी लेफ्ट एंकल को अपनी राइट थाई के ऊपर रखना है जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके बाद स्टेप थर्ड, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, अब उसके बाद अपने राइट एंकल यानी राइट एंकल को उठाना है और अपने लेफ्ट थाई पे रखना है,
दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। और आप जब इस पोस्चर में, जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इस पोस्चर में जब इस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो ये जो पोस्चर है वो कहलाएगा पद्मासन। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको थोड़ी सी, स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है इस पोज को करने में। डोंट वरी, पर चिंता मत करो। विद अ लिटिल प्रैक्टिस, एक छोटी सी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यू विल लर्न इट, आप इसे कर जाना सीख लोगे। फिर योगा टीचर स्टेप फोर्थ बताते हैं, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। अपने राइट नोस्ट्रिल को, आपके नाक का जो राइट वाला छेद है, जिस हाथ से आप लिखते हैं उस साइड के छेद को, अपने राइट हैंड के थंब से बंद करो। एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से, जो नाक का नथुन है, नाक का जो दूसरा लेफ्ट साइड का जो छेद अभी खुला हुआ है, उससे आप धीरे धीरे सांस लो। डू दिल स्टिल योर लंग्स आर फुल। और इस सांस को तब तक लेते रहो जब तक कि आपके लंग्स, आपके जो फेफड़े हैं, वो पूरी तरह हवा से ना भर जाएं। और जो यही प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। और जो ये प्रोसेस है हमारा, कि हमने राइट नोस्ट्रिल को अपने राइट हैंड थंब से बंद किया और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमने धीरे धीरे सांस ली, और सांस तब तक ली जब तक कि हमारे लेफ्ट लंग्स पूरी तरह से हवा से ना भर गए हों। तो इस प्रोसेस को हमने कहा पूरक। और जो यही प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा प्रोसेस, यानी प्रक्रिया सांस लेने की, वो है, उसका नाम है पूरक। उसके बाद सेफ फिफ्थ बताया उन्होंने, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds। जैसा कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले ली हवा, फेफड़े हवा से भर गए, उसी हवा को, उस एयर को हमें 5 से 10 seconds तक रोकना है। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कम्फर्टेबली कैन, और इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक भी कर सकते हैं आप, जब तक कि आप कम्फर्टेबल हो, यानी आपको जब तक सुविधाजनक रहता है आप तब तक उस सांस को रोके रख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और यही जो हवा रोकने का प्रोसेस है, हवा रोकने की, अपनी सांस को रोके रखने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है कुंभक। अब स्टेप सिक्स हमारा आता है, नाउ रिलीज द थंब। अब जो आपने राइट थंब को अपनी राइट नोस्ट्रिल पे रखा हुआ था, उसे हटाना है। एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। और आपकी रिंग फिंगर से, जो आपकी छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर होती है, उस वाली फिंगर से आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली, और फिर धीरे धीरे सांस थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, सांस छोड़ दीजिए अपने राइट नोस्ट्रिल, नाक के नथुने से। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। और यही जो प्रोसेस है सांस बाहर छोड़ने का, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रेचक। प्रोसेस जिसके अंदर सांस अंदर ली गई वो था पूरक। फिर उसके बाद जो सांस रोकी गई वो प्रोसेस हमारा कहलाया कुंभक। फिर हमने सांस को बाहर छोड़ा, यानी ब्रीथिंग आउट का जो प्रोसेस है वो कहलाया हमारा रेचक। ये हो गए स्टेप सिक्स। फिर उसके बाद स्टेप सेवन, नाउ ब्रीथिंग इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब जो हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल को तो अपने रिंग फिंगर से बंद कर लिया था, अब जो राइट नोस्ट्रिल ओपन है उससे सांस अंदर लो। फिर उसके बाद होल्ड योर ब्रेथ अगेन, फिर से अपनी सांस को रोके रखो। फिर नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद द थंब। फिर वापस राइट नोस्ट्रिल के ऊपर अपने थंब से अपनी नाक को बंद करो। एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से, अपने लेफ्ट साइड के नाक के नथुने से अपनी सांस को बाहर छोड़ दो। और इस प्रोसेस को स्टेप टेंथ में क्या करना है, यू मे स्टार्ट विथ 5 rounds। आप ऐसा लगभग 5 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे इंक्रीज इट अप टू 50 to 20 rounds। और इसे धीरे धीरे करके 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सांस लेना और छोड़ना, यही जो प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर की पूरक आ रहा है, कुंभक आ रहा है और रेचक आ रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस जब हो जाएगा तो हमारा प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी।
टू हैव लर्न प्राणायाम। अब जब शिवम और नितिन जिन्होंने कि अब वो प्राणायाम सीख चुके हैं तो वे बहुत खुश थे। दे थैंक द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद कहा। थैंक्ड का मतलब धन्यवाद का। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लासेस डेली, और उन्होंने निश्चय किया कि वे अब योगा क्लास में डेली यानी रोज़ाना आएंगे और आकर इस योगा क्लास को रोज़ाना अटेंड भी करेंगे। इसके बाद हमें ग्लॉसरी दी हुई है और ये ग्लॉसरी हम सभी को ग्लॉसरी का मीन्स ये होता है कि आपको एक वर्ड दिया है और उसी का दूसरा सिनोनिम दिया हुआ है यानी पर्यायवाची शब्द, और उसके साथ हिंदी वर्ड्स भी दिए हुए हैं जिन्हें हम वर्ड मीनिंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर्स। तो देखिए, सबसे पहली एक्टिविटी हमारी पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। आपने अभी प्राणायाम देखा, अब प्राणायाम के यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उसके कुछ स्टेप्स की कुछ डिफरेंट पॉजेस दे रखी हैं, तो आपको इन पॉजेस को करेक्ट लिखना है कि सबसे पहले क्या करना था, फिर उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। तो आप इनके ऊपर नंबरिंग डालनी है, तो आप करने की कोशिश कीजिए। फिर इसके बाद मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स को इनके नेम से मैच करना है। हमने पढ़ा सांस अंदर लेना पूरक था, सांस को रोक रखना कुंभक था, सांस को बाहर छोड़ना रेचक था। तो इसमें से ये जो एरो का साइन अंदर की तरफ जा रहा है इसका मतलब है सांस अंदर लेना, फिर जिस एरो से बाहर की तरफ का एरो हो रहा है उसका मतलब था सांस बाहर छोड़ना, और जिसमें इन दोनों एरोज का यूज नहीं हो रहा है उसका मतलब है अपना ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करना, वहीं पर रोके रखना। आप, मुझे लगता है कि आप ये भी कर लेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं ट्रू और फॉल्स। शिवम वेंट टू द पार्क विच राजू वन डे, शिवम राजू के साथ पार्क में गया एक दिन। नहीं, वो राजू के साथ नहीं गया था, शिवम किसके साथ गया था, नितिन के साथ में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। दे सॉ सम पीपल्स मेकिंग डिफरेंट पोस्टर्स इन द मिडल ऑफ द पार्क, वो पोस्टर्स थोड़ी बना रहे थे, क्या बना रहे थे वो, पॉजेस। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। तो इसके आगे भी हो जाएगा एफ। द कंट्रोल एंड द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम, बिल्कुल सही है। अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल करना और उसके एक्सटेंशन करना, उसका विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो ये हमारा होगा ट्रू, इट मीन्स राइट ऑप्शन है। प्राणायाम इंक्रीजेज आर हार्ट रेट, प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, नहीं ये हमारी हार्ट रेट पे कंट्रोल करता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्राणायाम इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, नहीं इवनिंग इज नॉट द बेस्ट टाइम, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर प्राणायाम। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। फिफ्थ, कुंभक इज द प्रोसेसिंग ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, कुंभक जो प्रोसेस है उसके अंदर सांस को रोका जाता है, बिल्कुल कुंभक में सांस को रोका जाता है। तो इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स भी हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपको डिफरेंट डिफरेंट करने हैं और फाइंड आउट भी करने हैं आपके दिए गए चैप्टर में से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।